मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पैतृक गांव मैनपुरी में महज 15 रुपए के लिए एक दलित दंपत की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई। आरोप है कि दबंगों ने दिन दहाड़े इस घटना को अंजाम दिया। हत्यारोपी अशोक मिश्रा गांव में ही छोटी सी दुकान किए हुए था। यहां दलित समुदाय के भारत अशोक की परचून की दुकान से बिस्किट का पैकेट खरीदने गए हुए थे। अशोक के कुछ रुपए पहले से भारत पर उधार थे, जिसको लेकर दोनों के बीच वाद विवाद शुरू हो गया। तहस तहस में आकर अशोक ने भारत पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिस पर अपने पति का बचाने के लिए आई ममता को भी अशोक ने मार डाला। दोनों के घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मामले के महज 15 रुपए के लिए दबंगों ने दलित दंपति की हत्या। मैनपुरी का ये वाक्या जहां सिर्फ 15 रुपए के लिए एक दलित दंपत की हत्या कर दी। यूपी के मैनपुरी में दलित दंपत की हत्या का मामला सामने आया है, जहां 15 रुपए के लिए एक दलित दंपत की हत्या कर दी गई। पुलिस जांच में जुटी है और कई जगह उसने दबिश दी है। एसपी सहित कई थानों के पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। यूपी के मैनपुरी का दलित दंपत की हत्या का मामला सामने आया है। 15 रुपए को लेकर यह दलित दंपत की हत्या की गई। दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से वार करके दंपत की हत्या की गई। कुछ पैसा उधार था, जिसको उधार मांगने को लेकर पहले कहा सुनी हुई, उसके बाद आरोपी ने हत्या कर दी। भरत और ममता दो नट हैं यहाँ पर, जो मजदूरी करते हैं खेती में, और उसको कुछ आर्थिक योजना नाम करते हैं इसका। अशोक अशोक मिश्रा, अशोक के बारे में बताया जाता है कि इसने जो है कुल्हाड़ी से इन दोनों के गले काटे हैं, दोनों की डेथ हो गई मौके पर। कुछ 15 रुपए का गांव वालों का कहना है, कुछ 15 रुपए के लेन देन का मामला था, जिस पर वाद विवाद हुआ और इस पर घटना हुई है। 15 रुपए के लिए के लेन देन को लेकर कहा सुनी, उसके बाद दिन दहाड़े कुल्हाड़ी से 15 रुपए के मांगने पर और उस पर कहा सुनी के बाद दबंगों ने दलित दंपत की हत्या कर दी। शलभ हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर इस पूरी घटना के बारे में बताने के लिए जुड़ रहे हैं। शलभ, दलित दंपति 15 रुपए के लिए शायद पहले यह कहा सुनी हुई, इसके बाद कुल्हाड़ी से दिन दहाड़े यह हत्या कर दी गई। जी बिल्कुल, ये अपने आप गिरफ्तारी हो पाई है। इसमें पहले 15 रुपए के लिए पति को मारा और जब पत्नी बचाने गई तो उसकी भी हत्या कर दी गई बहुत बेरहमी से। और जो सबसे जो अहम बात है इसमें ये है कि ये मुख्यमंत्री का जो अपना गृह जनपद उसके पास की घटना है, मैनपुरी की घटना है। पुलिस का ये कहना है कि जो हत्यारोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिलहाल कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। लेकिन ये घटना सिर्फ 15 रुपए के लिए हुई और जो दलित दंपति था उसके ऊपर 15 रुपए का उधार था, जिसको लेकर विवाद हुआ और इस विवाद के बाद ही दोनों की हत्या कर दी गई। जिस आरोपी है जिसने हमला किया उसके ऊपर क्या कोई वो आपराधिक बैकग्राउंड का था, उसके पहले भी क्या वो दबंग बताया जा रहा है? वो दबंग किस्म का था, आपराधिक मुकदमा उसके खिलाफ नहीं था, पर वो दबंग किस्म का था। और ये घटना तात्कालिक झगड़े की वजह बताई जा रही है, उधार को लेकर दोनों के बीच में विवाद हुआ और विवाद के दौरान इस शख्स ने जो जो पति था महिला का उसको उसको मारना शुरू कर दिया। ऐसे में जो महिला थी वो बचाने आई तो उसने उसको भी मारा और दोनों की मौके पर मौत हो गई। शुक्रिया। एक दिल दहला देने वाली घटना मैनपुरी उत्तर प्रदेश की, जहां पे कुल्हाड़ी से एक दलित दंपत की हत्या कर दी।